फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। तो भाई आज है हमारी आठ मार्च है। तो 8 मार्च तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर क्लास स्टैटिक जी के है उस पर बात करेंगे। उससे पहले आपको जो अपने चार्ट में जो कॉपी पेंसिल्स लेके बैठना है और एक ही चीज को नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें जो सारी स्टैटिक जी के प्लस करंट अफेयर जो एक ही चीज पर जो बात करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है भाई, महिला और विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा पर निमहांस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। तो हमारे ऑप्शन है ए जयपुर, बी बेंगलुरु, सी कोची और डी पंजी। तो बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं भाई। दो मार्च को महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हमारी श्रीमती स्मृति जुबली ईरानी है, इन्हें बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस निमहांस के सहयोग से जो स्त्री मनोरक्षा सहयोग का शुभारंभ किया है। तो इस परियोजना का लक्ष्य जो देश भर में 6000 से जो वन स्टाफ केंद्र को जो OS के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण प्रदान करना है। परियोजना का देश में जो महिलाओं की जो मानसिक स्वास्थ्य और जो मनोवैज्ञानिक आरोग्य पर जोर देना है। जो परियोजना का जो केंद्र जो OSC पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए, ताकि वे हिंसा और मुसीबत से झेलकर वन स्टॉप केंद्रों पर आने के लिए महिलाओं को मामलों में हल करने की तकनीकों कौशल को लैस हो सके। जितनी भी महिला है उन्हें जो हिंसा और जो मुसीबत झेल के जो आगे आने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ये तैयार किया गया है। यह प्रशिक्षण जो है इसलिए दिया जाएगा ताकि जो पदाधिकारी ऐसी महिलाएं है ना उनको संवेदनशील काम कर सके, कुछ भी है अल्ले उन्हें कोई इमोशनल ना हो सके, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान जो संस्थान मानसिकी एवं स्वास्थ्य एवं तकनीक विज्ञान के क्षेत्र में मरीज देखभाल एवं अकादमिक खोज के लिए बहु विषयक संस्थान है। यह कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। यह एक चिकित्सक संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पहला अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करते चले और जो चैनल को सब्सक्राइब करते चले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो हर एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लेना, आने वाले एग्जाम में सब चीज में मिलेंगी ये चीजें। तो देखते हैं भाई, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार एवं द ITU दक्षिण एशिया के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा। तो ए हमारा दिल्ली है, बी हमारा लखनऊ है, सी हमारा काठमांडू है, डी हमारा इस्लामाबाद। तो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। तो केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार ITU के महासचिव हाउलिंस जियो द्वारा मेजबान जो समझौते पर होस्ट कंट्री एग्रीमेंट HCA का हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत दिल्ली के ITU के क्षेत्र में कार्यालय नवाचार केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह समझौता केंद्रीय कार्यालय की स्थापना और संचालन हेतु जो कानूनी और वित्तीय ढांचा प्रदान करता है। नई दिल्ली के स्थान जो स्थापित ITU एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर के लिए दक्षिण एशिया जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, भारत की जो सेवा है वो अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। यह समझौता जो है क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना संचालन हेतु कानूनी वित्तीय ढांचों जो प्रदान करता है। यह दिल्ली में स्थित जो ITU है एरिया ऑफिस ऑफ द इनोवेशन सेंटर दक्षिण एशिया जैसे देश अफगानिस्तान इनमें जो सामने अपनी सेवा प्रदान करेगा इन देशों में। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए इनोवेशन केंद्र भी होंगे जिनमें जो दक्षिण एशिया के दूर संचार प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। पूरी भारत में विकसित 5G मानव के लिए ITU के लिए 5G तकनीकों के लिए इसे एक रूप से विकसित किया जाएगा। 5G एक स्थानीय रूप से डिजाइन किया गया है, दूर संचार है जिसे IIT हैदराबाद द्वारा डिजाइन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ 12 मई 1865 में पेरिस में हुई थी इसकी स्थापना। और जो ITU के वर्तमान में 193 जो कंट्रीज के मेंबर हैं, 900 से अधिक जो निजी क्षेत्र में इसके जो संस्था जो शैक्षणिक संस्थान भी सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो मुख्यालय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत और अमेरिका सैन्य सहयोग समूह MSG की जो 19वीं बैठक कहां आयोजित की गई है। तो ए हमारा शिमला, बी हमारा हैदराबाद, सी हमारा दिल्ली और डी हमारा आगरा। तो आगरा इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है UPSC के पर्पस से भी। भारत और जो अमेरिका सहयोग समूह जो MCG की 19वीं बैठक 1 से 12 मार्च जो 2022 को उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित की गई है। तो यूपी के पर्पस से भी ये जो इम्पोर्टेंट है स्टेट के पर्पस से। भारत की ओर से चीफ ऑफ स्टडी कमेटी CISC
के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख जो मार्शल बी आर कृष्णा, अमेरिका की ओर से यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन्स ऑफ द लिंका ने इस जो बैठक की अध्यक्षता की है। जो इस बैठक में दोनों पक्षों की चर्चा में रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए केंद्रित पर बोल होगा। इसके अलावा मौजूदा जो सहयोग प्रणाली के दायरे में कई पहलुओं को जो शामिल करने का विचार किया गया है। भारत अमेरिका जो एमसी जो मुख्यालय एकीकृत एवं रक्षा कर्मचारियों और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के लिए राजनीतिक व्यापार संचालन के लिए नियमित बातचीत के लिए दोनों के लिए बीच में समझौते के लिए स्थापित किया गया एक मंच है। नेक्स्ट हमारा भाई देखो ये क्वेश्चन थोड़े से कह सकते हैं थोटिकल्स और जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये जो है ये हमारे यूपीएससी लेवल के है, ठीक है ना। तो समझ सकते हो तो समझते हुए चले थोड़ा थोड़ा सा और जो बात को और एक एक फिर जो वनडे एग्जाम के भी इसमें से मिलेंगे क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 20 वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ए हमारा 10 मार्च है, बी हमारा 3 मार्च है, सी हमारा 4 मार्च है और डी हमारा जो है 8 मार्च है। तो 3 मार्च इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन कैसे है। 3 मार्च को दुनिया भर के विश्व में वन्य जीव दिवस मनाया गया है। जो यह दिवस वन्य जीव के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करता है। ये 3 मार्च को मनाया जाता है। ये जो जितने भी अवेयरनेस फैलाएगा जितने भी वन्य जीव है ना जो वर्ल्ड एनिमल्स हैं जो सबके बारे में उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो सारी जो इसके बारे में बताता है। वर्ष 2022 के लिए वन्य जीव दिवस की थीम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में बहाली के लिए प्रमुख जातियों का पुनर्वास प्राप्त करना। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इसको 2013 से मनाया जा रहा है भैया, जो 3 मार्च को इसको बनाने का जो डिसाइड किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने जो रेजुलेशन ये घोषणा की थी कि विश्व वन्य जीव दिवस के लिए लोगों को बैंक विश्व के बदले जो रूप मानव गतिविधियों के कारण जो वनस्पति एवं जीवों को उत्पन्न करने खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए समर्पित करता है। कि जो मानव द्वारा जो है इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में जो वनस्पति और ये जो जीव को जो क्या क्या खतरे हो सकते हैं उसके बारे में ये बताता है। नेक्स्ट हमारा 3 मार्च 1973 को जो वनस्पति को लुप्त हो जो प्राप्ति है व्यापारीय संतरस्य कन्वेंशन CITS को अंगीकृत किया गया था। कब कहे तो 1973 में 3 मार्च को। यह दिवस तथ्य रेखांकित करने का अवसर प्रदान करता है मानव जीवन के लिए वन परिस्थिति के लिए कितने महत्वपूर्ण है इसके लिए बताता है। संयुक्त राष्ट्र के जो माने को वैश्विक स्तर पर जो 200 से जो 350 मिलियन लोग इसमें जंगलों के भीतर आसपास रहते हैं या फिर जीवन के आजीविका के लिए वन संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से जो निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं भाई दोस्त वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चर्चा में रहा है बायोस्फीयर जल मंडल जोड़ता है किस किस को जोड़ता है तो ये काफी इंपोर्टेंट है। देखते हैं भाई पहला है काला सागर टू कैप्शियन सागर, बी हमारा मरमरा सागर टू काला सागर, सी हमारा जो एजियन सागर टू कैप्शियन सागर या इनमें से कोई नहीं। तो मरमरा सागर टू काला सागर तो करेक्ट आंसर। देखते हैं इसमें क्योंकि ये जो अभी जो चल रहा है ना थर्ड वर्ल्ड लाइक के तो उसमें जो उस पर्पज से बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच में जारी जंग जो चल रही है तुर्की ने अमेरिका के दबाव के रूप में जो ये एक बड़ा कदम उठाया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचिप तैयब एर्दोगन ने कहा है कि वे राष्ट्रीय नियमों के लिए जो लागू करने के लिए बाध्य है इसलिए तुर्की जंग में शामिल होने देश में जहाजों को लोग मेडिटेरियन से ब्लॉक TC से एंट्री बैन कर दी गई है। तो वहां से उसने मना कर दिया कि भाई यहां से हम जाने नहीं देंगे, ठीक है ना, ये जो संधि है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एर्दोगन ने कहा कि तुर्की देशों के लिए आपस में संबंधों को खराब नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रशिया चाह रहा था कि यहां से हम इसको एंट्री दे दें, अब ये एंट्री दे दें, इसने मना कर दिया कि नहीं हम एंट्री नहीं देंगे, ठीक है। यूक्रेन के तुर्की के रूसी जहाज को रोकने के लिए अपील की गई थी। यहाँ पे 1936 में जो मैट्रोक्स कन्वेंशन के तहत तुर्की ने यह अधिकार मिलता है। तो ये कहां मिलता है कैसे मिलता है फर्स्ट वाला अगर जो स्टार्टिंग वाला हो गया कि भाई तो कहां तक को क्या है तो हो जाएगा भंडे पर्पज। अब ये क्यों मिलता है तो क्यों वाला आंसर आ जाएगा हमारा यूपीएससी स्टेट पर्पज के लिए, तो ठीक है ना, समझ लिए तो समझते हो चलना भाई चीज को। यह जंग के हालात में डोडिनेल्स और द बायोस्फीयर्स ब्लैक सी से गुजरने के युद्ध पोत को पर रोक लगाता है। ये 1936 में हुआ था ये बायोस्फीयर जो डोडिनेल्स ऑफ द जलमंडल के तुर्की जलमंडल जो काला सागर जलमंडल मध्य के रूप में भी जाना जाता है। डोनेल्स जो एजियन सागर को मरमरा सागर से बायोस्फीयर मरमरा सागर को
काला सागर से जोड़ता है ये। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ईबिल, ईबिल प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करना है, तो हमारे दो कथन दिए हैं। एक्चुअली हमें एक बड़ा सा लगता है क्वेश्चन, तो ये ऐसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम डर जाते हैं, तो डरना नहीं है कि चीज को अच्छे से समझते हुए चलना है। देखो तो क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय केंद्र सरकार के जो मंत्रालय के लिए इस प्रकार की जो प्रणाली का शुभारंभ किया है, पहला क्वेश्चन है ईबिल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है हमारा, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, ईबिल प्रणाली का उद्देश्य सरकार के सभी जो विक्रेता आपूर्तियों को जो किसी भी समय और कहीं से भी अपने बिल दावों को जो जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें से देखते हैं कौन सा कथन सत्य है, स्टेटमेंट कौन सा सही है। ए केवल एक है, केवल दो है, जो सी क्वेश्चन एक और दो दोनों ठीक है, और डी ना तो एक ठीक है ना दो ठीक है, तो दोनों ठीक है, ए और बी दोनों इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं भाई इसकी जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्रीय वित्त एंड कॉर्पोरेट जो कार्पेट जो कार्पेट जो कार्य मंत्री है निर्मला सीतारमण 2 मार्च 2022 को 46वें सिविल लेखा दिवस के अवसर पर, अच्छा तो ये जो 46वां था लिखे जो सिविल लेखा दिवस कब होता है, 2 मार्च को होता है, एक क्वेश्चन निकल के आया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। केंद्रीय सरकार ने मंत्रालयों के लिए ई बिल प्रणाली का जो शुभारंभ किया है, यह जो बिल जमा करने और जो बिलों को जो बैक एंड और जो प्रोसेसिंग की समस्त प्रक्रिया के चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह कागज रहित और पारदर्शी बनाएगी। इस प्रकार का डिजिटल इंडिया की परिकल्पना सरकार द्वारा करने के लिए व्यवसाय में आसानी से बढ़ावा दिया जाना एक बहुत बड़ा कदम है, डिजिटल हो जाएगा तो भाई कागज बचेगा, सीधी ही बात है। तो जो इस बिल की प्रणाली के लिए वित्त मंत्री ने व्यय विभाग के लिए महालेखा नियंत्रक जो कार्यालय के अधीक्ष सार्वजनिक सार्वजनिक जो वित्त प्रबंधक प्रणाली PFMS के प्रभाग द्वारा विकसित किया गया है। ये इसमें जो बिलों के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफ पद्धति पर जो प्रोसेस किया गया है, आरंभ में इस प्रणाली को जो 9 मंत्रालयों और विभागों की 9 वेतन और लेखा समितियों द्वारा जो स्टार्ट किया गया था, और जो 9 बिल और 9 प्रणाली के लिए भारत सरकार के सभी जो विक्रेता और आपूर्तियों के लिए किसी प्रकार का समय और कहीं से भी बिल और दबाव को जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आएगा हमारे वैसे ही पूछा जाता है, तो ये अब ये आएगा हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाता है, भारत और नेपाल के सीमा पर विवाद कैसा है। तो समझते हैं क्यों है चर्चा में। हाल ही में भारत प्रधानमंत्री लिपुलेख क्षेत्र में सड़क पर चोरी कराने की घोषणा करने के बाद नेपाल द्वारा इस क्षेत्र में भारत के निर्माण के लिए गतिविधियों पर आपत्ति व्यक्त की गई थी। तो ये क्या था प्रमुख बिंदु क्या था, नेपाल की सूचना और प्रसारण मंत्री के अनुसार नदी काली नदी के पूर्व लिम्फित ध्रुव और जो लिपुलेख और काली पानी क्षेत्र में नेपाल का एक अभिन्न अंग है, इसको अपना जो अपना क्षेत्र बताता है, उनमें से भारत के इस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण एक तरफा निर्णय बताते हुए विस्तार को रोकने की मांग की गई है। तो जो धांतव्य यह है कि नेपाल द्वारा जून 2020 में अपने देश को एक नया मानचित्र जारी किया गया था, जो नेपाल ने किया था, जिसमें उत्तराखंड के काली पानी काला पानी और लिम्फुथुरा और लिपुलेख को नेपाल का इसमें हिस्सा बता दिया था इसने अपने आप ही, ठीक है ना। तो कैलाश मानसरोवर का लिंक मार्ग है, ये 80 किलोमीटर लंबा यह सड़क परियोजना कैलाश मानसरोवर का हिस्सा है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से होकर गुजरता है, देख सकते हैं भाई ये चेचारथुला के वास्तविक नियंत्रण के लिए निकट और लिपुलेख दर्रा से जोड़ती है। इसीलिए 2005 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुरक्षा संपत्ति CSS के लिए अनुमोदित किया गया था इसको। पूर्व में जो सिक्किम और नेपाल से होकर जाने वाले मार्गों के लिए मानसरोवर की तीर्थ यात्राओं को अपनी यात्रा को 80% हिस्सा चीनी भूभाग और जो 20% हिस्सा भारतीय भूभाग से तय करना होता था, लेकिन अब देखो पहले 80% ये चीनी भूभाग और 20% भारतीय क्षेत्र से तय करना होता था, अब जो नए निर्माण के लिए यात्रा करने के लिए कमी, अब जो मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए 84% भारत और जो केवल जो ये होगा 16% भूभाग से तैयार करना होगा ये बनने के लिए बन जाने पे। वास्तविक नियंत्रक रेखा तक पहुंच प्रदान करने के लिए यह मार्ग जो भारत और चीन के बीच में किसी तनाव की स्थिति के लिए भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण जो बढ़त प्रदान कर सकता है। लिपुलेख दर्रा हिमाचल में 17,000 फीट ऊंचाई पर जो भारत चीन और जो नेपाल के ट्राई जंक्शन के करीब जो अवस्थित है भी ये। भारत और नेपाल विवाद जो काला पानी विवाद है जो ये वर्ष 1800 जो 14 से 16 से बीच में गोरखा
युद्ध एंग्लो नेपाल के बीच में, नेपाल गोरखा जो और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सुगोली की संधि के संबंधित है। इस संधि के अनुसार जो पांच काली नदी, जो काली नदी के पश्चिमी औसत भूभाग पर नेपालों को अधिकार नहीं होगा, अर्थात काली नदी भारत और नेपाल की वर्तमान सीमा को निर्धारित करती है। हालांकि इस नदी का उद्गम जो दोनों देशों के बीच में व्याप्त मतभेद के लिए सीमा का विवाद प्रमुख कारण है। इस प्रकार नेपाल दावा करता है कि कालीपानी और लिपुदर्रा और जो लिपुलेख जो ये नदी है पूर्व में आते हैं और ये नेपाल के सुदूर प्रांत से का हिस्सा है, ये अपना हिस्सा बताता है इसको। नेपाल के जो अनुसार जो लिपुलेख जो पूर्ववर्ती शासकों द्वारा भारत के जो लाभ प्राप्त करने के लिए नेपाल के नक्शे से हटा दिया था, ये बोल रहे हैं कि नेपाल के नक्शे से इन्होंने इंडिया ने हटाया था। जबकि कालापानी क्षेत्र 1962 के लिए भारत और चीन के युद्ध के लिए बाद राजा महेंद्र सिंह द्वारा भारत को अस्थायी रूप से प्रयोग करने के लिए दिया गया था, ये राजा महेंद्र सिंह जी ने इनको दिया था, इंडिया को दिया था, तो इसलिए ये आपस में वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई निम्नलिखित में से किस राज्य में विवादित कानून अफसा को अगले 6 महीने के लिए 30 जून 2022 के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ये देख सकते हैं। अब तो खैर जो ये है असम में बढ़ा दिया गया है, पहले नागालैंड में बढ़ा था, ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग है नागालैंड है और अभी असम में रिसेंटली असम में बढ़ा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पिछला लिया है जो लास्ट मंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय जो पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है, तो क्या है इसमें ऑप्शन है हमारा, पढ़ेगा भारत, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, बी हमारा नव भारत साक्षरता अभियान, सी हमारा ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, डी हमारा पढ़े भारत। तो पढ़े भारत इज द करेक्ट आंसर जो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं के लिए नई शिक्षा नीति 2021 के लिए किस राज्य सरकार ने जारी की है, ए तमिलनाडु, बी बिहार और सी जो है हमारा उत्तर प्रदेश, सी हमारा असम। तो इन्होंने ये महिलाओं के लिए नई शिक्षा नीति जो तमिलनाडु ने जो जो स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, ए प्रयागराज, बी काशी, सी मेरठ और डी हमारा दिल्ली। तो मेरठ इज द करेक्ट आंसर, तो मेरठ में रखी है गई हमारे जो पीएम साहब ने जो ये इसकी आधारशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट टू पी अभियान कहां से शुरू हुआ, तो ये ए हमारा नागपुर महाराष्ट्र, बी हमारा उदयपुर राजस्थान, सी हमारा भोपाल एंड मध्य प्रदेश और डी हमारा राज्य झारखंड। तो ए नागपुर महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द कनाडा सम्मानित किया गया है, ए हमारा वेंकटरमन लक्ष्मण, बी हमारा नवजीत सिंह ढिल्लो, सी हमारा डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, तो या फिर उपयुक्त सभी, तो इनको सभी को ये मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये हमारा राष्ट्रीय कब मनाया गया, 1 जनवरी को, ध्यान रखना भाई, मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सी हमारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, डी हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास परिषद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, जो क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 सत्र में कौन सा युग्म सत्य है, ए हिंदी देवेंद्र मेवाड़ी, सी हमारा, बी हमारा अंग्रेजी नमिता गोखले, सी राजस्थान मिथिलेश मिर्माही और डी हमारा संस्कृत विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र। तो ए इज द करेक्ट आंसर, हिंदी देवेंद्र जो मेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व बेल दिवस कब मनाया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ए 2 जनवरी, बी हमारा 3 जनवरी, सी हमारा 4 जनवरी, डी हमारा 5 जनवरी। तो 4 जनवरी को मनाया जाता है, लुईस बेल्स ने इसकी जो स्थापना की थी जो फ्रांस के थे। तो देखो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक इसको जो भाई शेयर करो और जो अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना, एक समझ तुम्हारी।